नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन पैदल जा रही महिला को बाइक सवार ने टक्कर मारकर किया घायल। अल्पविराम, बाइक सवार भागा लेकिन साथी को लोगों ने पकड़ा। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बेगमगंज में सरपट दौड़ते वाहनों का कहर जारी है। ऐसी तेज गति से दौड़ रहे वाहन पैदल राहगीरों को दुर्घटनाग्रस्त करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना उस समय घटी जब एक महिला पैदल जा रही थी और बाइक सवार युवक ने तेज गति से बाइक दौड़ाते हुए महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा होता देख बाइक सवार बाइक लेकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन लोगों ने उसके एक साथी को दबोच लिया और घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया। हां, आपको बता दें कि सेवा सदन में सेवारत ममता पंथी पुत्री राजा राम पंथी 26 वर्ष पैदल बस स्टैंड की ओर जा रही थी। एक बाइक पर दो लोगों तेजी से जा रहे थे कि चालक बाइक पर नियंत्रण खो बैठा और उसने उक्त महिला को जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया और भाग गया, लेकिन बाइक पर पीछे बैठे हुए युवक को लोगों ने पकड़ लिया, जिसने बताया कि बाइक फतेहपुर निवासी राजशिल्पी पुत्र प्रसादी शिल्पकार चला रहा था। सूचना पर पुलिस ने चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। रायसेन संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट।